हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज मैंने मॉक नंबर सेकंड दिया था IBPS PO का, जो कि 2022 का था। तो इससे पहले मैंने नाइन्थ दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो भी डाली है, आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। एंड आज मैंने दिया था मॉक नंबर 10, ठीक है, जो कि दूसरा मॉक है IBPS PO मेन्स का। और आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पे 65 है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। ये है नाम, मार्क्स ये रहे, और परसेंटाइल ठीक है। अब चलते हैं कैसे कैसे। देखो, रीजनिंग में आप देख सकते हैं 16, ठीक है, 16। और ये 16 क्वेश्चन ना मैंने आई थिंक 32 या 30 मिनट में ही कर दिए थे। फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन में एक पज़ल को सिलेक्ट कर रहा था, और एक पज़ल में, चलो वो तो मैं आगे बताऊंगा। रीजनिंग में देख सकते हैं 16.5। जनरल अवेयरनेस मैंने करा नहीं। इंग्लिश में मैंने 26 करे थे, 6 गलत हो गए, 20 सही। क्वांट में मैंने 17 करे और 26 मार्क्स, ठीक है, इंग्लिश में 22, और टोटल बनाए 65। तो अब देखते हैं कैसा कैसा क्या रहा था। अब देखो, आप देख सकते हैं रीजनिंग में, ये सबसे पहले मैंने ये करा, ये क्या था, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो इजी थे, सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे इसके। फिर एक ये क्वेश्चन था नॉर्मल कोडिंग वाला, स्टेटमेंट बेस्ड डाटा सफिशेंसी। फिर था एक ये, फिर मैं इनइक्वालिटीज़ पे गया, ये दोनों मैंने करे। इनइक्वालिटी ये वही था, बट एक पजल के फॉर्म में था, ठीक है। फिर एक ये था कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी दो क्वेश्चन थे, इजी था, मिल गया था, क्योंकि दो ही सिंबल थे, तो वो वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला पैटर्न बन रहा था, ठीक है। फिर एक ये था सिलॉजिज्म के, तीन क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, ठीक है। और फिर ये था, इसमें थोड़ा हल्का सा मेरे को सोचना पड़ा, बट ज़्यादा भी नहीं, बट ठीक है, एक नॉर्मल मिल गया था। तो ये चार क्वेश्चन थे ये। अब देखो, यहाँ तक करने में ना मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मेरे पे बचे थे आई थिंक आधा घंटा बचा था या कुछ बचा था। फिर मेरे पे पज़ल के ऑप्शंस थे। एक तो देखो, सबसे पहली वाली पज़ल थी स्क्वायर फीट और ईयर वाली, पांच क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स, ठीक है। फिर था एक ये पेंटागन में बैठते हैं 10 लोग, डायरेक्शन नहीं पता किसी की, और एक साइड में एक एक बैठता है, ठीक है। और फिर था, फिर तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे। एक था अनसर्टेन फ्लोर वाला था, मगर ये एक एक नंबर के सिर्फ तीन क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक यहाँ पर था ये वाला, ये थे आपके तीन क्वेश्चन थे सिर्फ। तो मैं डाउट में फंसा कि मैं क्वेश्चन कौन सा करूँ। और एक लास्ट में था, ये 7 बॉक्सेस थे, ठीक है, 7 बॉक्सेस थे। और यहाँ पर क्या था, बॉक्सेस वाला तो था, मगर फिर था एक ये वाला। तो मैंने कहा इन दोनों से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, ठीक है। और ये एक एक दो दो मार्क्स के भी थे। तो मैंने कहा अगर मैं इसके 5 क्वेश्चन कर देता हूँ, अभी मेरे कितने हो गए, 16 या 17 कुछ अटेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, भले ही 20 मिनट लगे, चाहे 22 मिनट लगे, मेरे पे था 28 से ऊपर मिनट थे मेरे पे। तो मैंने क्या करा, मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने लगा, तो मेरे को ज़रा जाना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई आया था, वो मोबाइल एक्सचेंज का कुछ होता है ना, तो वहाँ पर फिर मुझे जाना ही पड़ा। तो आधा घंटा 45 मिनट तो उन्हीं के साथ निकल गया, वो पता नहीं क्या ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आया, फिर मैंने दोबारा चालू करा इस क्वेश्चन को। तो फिर मैंने इस पूरे क्वेश्चन को करा, केसेस बने, मतलब ज़्यादा भी नहीं थे। आई थिंक अगर आप फिगर्स कुछ कैलकुलेट कर पाओ ना, तो वहाँ से थोड़े कैंसिल आउट होते थे केसेस। तो मेरा आखिर में जाके, मतलब जब 5-6 मिनट बचे थे, मेरा पूरा बन गया। मेरा मतलब मेरी तरफ से जो बनना था, मैंने एक पूरा बना दिया। अब मैं करने बैठा, ठीक है। तो पहले वाले से तो आपको गलती पता नहीं लगेगी, दूसरा वाला भी मुझे लग रहा था, दूसरा वाला ऑप्शन तो एकदम सही आ रहा है। फिर मैं क्या करा, मैंने तीसरा देखा, मैंने कहा यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा है। मेरा आ रहा है 8 साल, इनका बीच में आ रहा है 14 साल, मतलब पी और 1550 के बीच में मेरा आंसर आ रहा था 8 साल। मैंने कहा नन ऑफ दीज लगा देते हैं। फिर मैं आगे गया, फिर मैंने इनका सम करा, मेरा आंसर तब भी ना आए। तो फिर मैंने कहा ये तूने पूरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए। मैंने कहा कुछ हल्का बहुत एक और केसेस तो नहीं बन रहा था, मैंने उसको देखा, फिर वो नहीं बना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बन जाता ना, तो यहाँ पर आप 16 की जगह 8 मार्क्स और गिन लो, ठीक है, 16 प्लस 8 24 हो गया, 24 मार्क्स मेरे और आ जाते अगर यहाँ पर हो जाए, मतलब 24 मार्क्स आ जाते, ठीक है। तो एक ये थोड़ा मिस्टेक रहा रीजनिंग में, ठीक है। आई थिंक मुझे ये वाला पजल सिलेक्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
फिर था जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस मैंने बाद में देखा, तो इसमें मेरे आई थिंक 11 या 12 क्वेश्चन मेरे को आते थे, ठीक है, बट वो कोई बात नहीं है, उसको तो स्किप ही करना था। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन मैंने ये देखा तो मेरे को लगा कि डुएबल था, मैंने इसको कर दिया, ठीक है। फिर इसमें आई थिंक यार ये इसके बाद जैसे होता है ना कि इस सेंटेंस के बाद क्या सेंटेंस आना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था, बट मैं सेकंड के साथ गया, मगर इन्होंने फर्स्ट ही लगा दिया, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन था, सेम था, इसी पे बेस्ड था, तो ये वाला मेरा सही गया। और एक था ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो मैंने स्किप करा उस समय, ठीक है। फिर ये वाला मुझे करना नहीं चाहिए था, इसमें डाउट था, मैंने तब भी पता नहीं क्यों करा इसको। और फिर था ये लास्ट में, ठीक है, इसमें क्या करना था, रीअरेंज करना था, तो ये पहला एक क्वेश्चन सही हुआ। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ना था, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस थे, तो सिर्फ कॉन्ट्रेरी आ रहा था, तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसको मैंने स्किप करा उस समय। फिर एक ये आरसी था, आरसी को मैंने लास्ट के लिए रहने दिया। फिर मैंने ये वाले क्वेश्चन देखे जो कि एरर बेस्ड थे। अब इसमें एरर नहीं, जो सही था उसको चुनना था, तो मैंने कहा पहले कोई इजी क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचा तो उसको करूँगा। फिर ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट देखते साथ हो गया था, सेम इस क्वेश्चन के साथ था, फिर मैंने इसको स्किप करा। अगला आया, देखो इसमें एक ये मीनिंग दे रखा है इन्होंने, इन्होंने एक सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना था कि सेम सेंस किस में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा इजी लगा, तो मैंने कर दिया। 3 क्वेश्चन करे मैंने इसके, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा इसका। और फिर ये एक क्या था, एक और छोटा सा आरसी था, फिर मैंने इस आरसी को किया, इसका पहला क्वेश्चन गलत हो गया, बाकी के 2 क्वेश्चन इसके सही हुए, ठीक है। फिर एक था ये 2 नंबर वाला कि इसको बीच में कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, इनको बांटा हुआ था ए बी सी डी ई में, इसको कहाँ लगा सकते हैं, तो ये मैंने सब सबसे लास्ट में जब 1-2 मिनट बचे थे ना तब किया था, ठीक है। और फिर एक था ये वाला कि इसका इसका क्या सेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वोकेशन था और एक ये गलत हो गया। फिर मैंने लास्ट में जाके किया था आरसी, ठीक है, आप देख सकते हैं आरसी में सारे क्वेश्चन सही हैं। अब देखो गलत कौन से क्वेश्चन हुआ आरसी के, आइसोलेट, आइसोलेट मुझे लगा सिर्फ यही होता है, मेरे को इतना इनका मीनिंग का थोड़ा इतना ध्यान नहीं आ रहा था, बट लिंक थे बट उतना डायरेक्ट लिंक नहीं थे, तो मैंने ये लगा दिया। अब 100 दे में क्या था, मुझे लग रहा था पहले मैंने डिफेंडेड लगाया, बट मैंने लास्ट में जाके इस्टेब्लिश कर दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो इंग्लिश में ये था। अब मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा मुझे इजी लगा, मैंने उसी समय कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये देखा डीआई, तो मैंने उस समय इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, आगे गया। फिर मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने कहा इसका फॉर्मूला मुझे याद है, इसको मैंने उसी समय कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसको स्किप करा, फिर मैंने इसको स्किप करा, इसको स्किप करते हुए मैं आगे गया। फिर मेरे को दिखा ये अपना ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाला मैंने उसी समय कर दिया, ठीक है। फिर ये था नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को मैंने उसी समय निपटा दिया, 2 क्वेश्चन थे। फिर ये अर्थमेटिक का बहुत इजी क्वेश्चन था, ये वाला मैंने भी उसी समय कर दिया, ठीक है। अब आते हैं ये वाला डीआई पे, तो मैंने इसको स्किप कर दिया उस समय, ठीक है। और फिर ये था ये दोनों क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, तो मैंने उनको कर दिया। फिर मैंने आगे के क्वेश्चन भी देखे, मैंने कहा टाइम एंड डिस्टेंस पर आ रखा, मैंने कहा अगर होता है तो उसको देखूंगा। और फिर मैं आगे गया, और ये लास्ट में डीआई थी प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है, कि मार्क्स लगाने हिटिंग एरिया वाला कुछ था। तो मैंने सबसे पहले आपको पता है मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर दिए और कुछ इजी क्वेश्चन कर दिए। फिर मेरे को लगा कि मैं ये वाला डीआई कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या था, डब्ल्यू में मिक्सचर में ये सब लिक्विड थे, एक्स में ये सब लिक्विड थे, और उनका परसेंटेज दे दिया था, किसी में 4 दे रखा था, किसी का 3 दे रखा था। तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही कैसा लग रहा हो, बट आप जब क्वेश्चन में जाओगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये मैंने कर दिया था, ठीक है। और हाँ, जब मैं मैथ्स का पेपर कर रहा था ना, जब आई थिंक 7-8 मिनट हो गए थे, तो लाइट चली गई और मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट करा इसको, तो जब मैंने इसको दोबारा चालू करा, तो टाइम दोबारा कितना 45 मिनट से चला, मतलब आप सोचो मैंने इसको सबमिट करा 8-9 मिनट में, जब मैंने इसको दोबारा चालू करा तो फिर से 45 मिनट से चालू होने लग गया, ठीक है। मगर मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैंने उसको जल्दी सबमिट कर दिया था फिर, ठीक है। और एक ये वाला था ये वाला, तो ये वाला आई थिंक मेरे पे, मैंने सोचा इसकी इसको एक बार ट्राई करता हूँ। तो इसमें था क्या, देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ, और लास्ट में लिख दिया इन्होंने
कि ई और ए का एक रेशियो दे दिया तो एक्स और वाई का एक पैटर्न बन जाएगा, तो वो मैंने उस एक फॉर्म में निकाल लिया और पहला ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड था कि बी और डी में कितना आता है। जब आपको एक्स और वाई का एक रिलेशनशिप पता लग गया तो उसके लिए तो आपको वो भी रेशियो नहीं चाहिए था। यहाँ देखो किसने क्या पूछा भाई, बी और डी का आंसर बताओ, ये बी और डी है, आपने एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लिया, आंसर आ गया आपका रेशियो। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें बोला हुआ था डी की फीमेल्स 56 हैं और नीचे लिखा हुआ था ए और डी की मेल अगर 56 हैं फीमेल, और मेल का रेशियो आपको यहाँ से है तो इसको एक्स में लेके प्लस 56 56 करके आपको यहाँ पर दिख रहा है ए और डी का रेशियो, तो मिल गया आपको क्वेश्चन आपका आंसर। ठीक है, फिर मेरे से ये वाला हुआ नहीं, ये वाला हुआ नहीं मेरे से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं हुआ, और लास्ट वाला तो बहुत ईजी था। एक्स और वाई का टोटल 600 दे रखा था और आपने एक्स और वाई का रेशियो सबसे पहले ही निकाला था, तो ये 360। तो ये था मेरा लास्ट के क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं इसको ट्राई कर रहा था, मैंने कहा इसको छोड़ो क्योंकि टाइम हो गया था। आप देख सकते हैं मैंने मैथ्स को 38 मिनट में ही सबमिट कर दिया था, 39 या जो भी था, तो मैंने 7 8 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब बीच में जब लाइट गई थी तो वाईफाई तो चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने जब इसको कनेक्ट करा तो शुरू से टाइम चलने लगा था, इसलिए मैंने इसको 7 8 मिनट पहले सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा मेंस का मॉक। अब इसमें मैं इनको ट्राई करूँगा जो मेरे से स्किप या जो मैंने नहीं करे क्वेश्चन। ठीक है, देखो डुएबल लग रहे थे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा डुएबल नहीं थे, बट इसको अब मैं बैठ के करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अगर ये दिया होगा तो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और यार ये पज़ल मेरे से बन गया था बट आई डोंट नो मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। और हाँ मैंने एक ये भी मॉक दिया था, ये बंडल पीडीएफ का डे 19 का मैथ्स का, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। इसमें ये 4 DI, सॉरी 3 DI थी, एक ये थी सबसे पहली वाली, क्या था ये, हाँ ये था टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो इन्होंने इनका दिया हुआ था, ए और बी को इतना टाइम लगता है, बी और सी को इतना टाइम लगता है, तो फिर उनके डेज बता दिए थे, मैंने टोटल निकाला वहाँ से, कैलकुलेशन होके सब हो गया, तो इसके 5 क्वेश्चन आराम से हो गए थे। फिर था ये वाला, आपको पता ही है ये जो फ्लोर वाला सीलिंग वाला होता है, तो ये हो गया था। मुझे बस ये दोनों क्वेश्चन थोड़े टेढ़े से लगे, मतलब समझ नहीं आया, तो मैंने इनको छोड़ा, बाकी के 2 कर दिए, और फिर टाइम ख़त्म हो गया है, तो उतने में सिर्फ इतना ही हुआ, और लास्ट में ये अर्थमेटिक के कुछ 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब देखो मेरे को ना अर्थमेटिक गाइडली का बहुत सही लगता है, एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट कीड़ा, मुझे गाइडली का अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा हार्ड लगते हैं मुझे। स्मार्ट कीड़ा के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं ना वो फिर भी एक तरह से मतलब डुएबल होते हैं, मगर ये गाइडली वाले बहुत सही तरीके से एकदम फ्रेम करते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं DI की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसकी बात, ये जो अर्थमेटिक के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, आज मैंने अभी फ़िलहाल तो इतना ही करा है, 4:30 हो रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।